नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज और मैं आपके साथ विजय यादव। तो चलते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। दिल्ली जयपुर हाईवे स्थित बनीपुर चौक से अपने पति के साथ जा रही महिला से ऑटो चालक व उसके दोस्त ने सामूहिक दुष्कर्म किया। पति के सामने ही महिला से सामूहिक दुष्कर्म की शर्मसार कर देने वाली इस घटना को अंजाम दिया गया। दुष्कर्म के बाद आरोपित महिला व उसके पति को बनीपुर चौक पर छोड़कर फरार हो गए। कसौला थाना क्षेत्र पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। सामूहिक दुष्कर्म की घटना ने जिले में महिला सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए हैं। पुलिस के अनुसार राजस्थान के जिला अलवर के गांव निवासी महिला अपने परिवार के साथ वर्तमान में नीमराणा में रहती थी। 5 जनवरी रात को वह अपने पति के साथ चंडीगढ़ से रेवाड़ी पहुंची थी। बनीपुर चौक जाने के लिए पति पत्नी बस स्टैंड के पास से एक ऑटो में सवार हो गए। ऑटो में चालक के साथ एक अन्य युवक भी था। बनीपुर चौक पर साधन न होने के कारण महिला पति ने ऑटो चालक से नीमराणा छोड़ने के लिए कहा। दोनों युवक महिला व उसके पति को नचाना रोड पर सुनसान जगह ले गए। महिला के पति ने गलत रास्ते पर जाने का कारण पूछा। दोनों ने चुपचाप बैठे रहने की धमकी दी। एक युवक ने महिला के पति का ऑटो में ही दबोच कर रखा था तथा चालक ने उसके साथ दुष्कर्म किया। इसके बाद दूसरे युवक ने भी उसके साथ दुष्कर्म किया। रात को करीब 12 बजे आरोपितों ने महिला व उसके पति को बनीपुर चौक पर वापस छोड़ दिया था तथा किसी को भी इसके बारे में बताने पर जान से मारने की धमकी दी। महिला व उसके पति ने शनिवार को मामले की जानकारी पुलिस को दी। पुलिस ने महिला का मेडिकल कराने के बाद अज्ञात आरोपितों के खिलाफ दुष्कर्म व जान से मारने की धमकी देने मामला दर्ज करा लिया था। अभी दोनों आरोपितों की पहचान नहीं हो पाई है। जांच अधिकारी ASI प्रमिला ने बताया कि शिकायत के बाद मामला दर्ज कर लिया गया है तथा आरोपितों की पहचान के प्रयास किए जा रहे हैं। साथ ही जल्द आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इंडियन प्राइम न्यूज से ब्यूरो रिपोर्ट।